Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you are watching Explore with Nikki. Welcome back to another informative video related to ground staff, airport ground staff. Today we are discussing about GD topics, like what are the GD topics they ask. First round जो होता है ground staff में वो GD topic होता है. तो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखना. लेट्स गेट स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज, जब हम एंटर करते हैं, सो हम ग्रुप में एंटर करते हैं, 5 की ग्रुप हो सकती है, मेनली जो होती है वो 8 से 10 की ग्रुप में हम फर्स्ट राउंड होता है जीडी राउंड, उसमें एंटर करते हैं. सो इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस और जीडी टॉपिक्स टू अस, लाइक टॉपिक्स एनी थिंग दे वांटेड टू आस्क यू. टॉपिक्स हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक एक्सेट्रा आर द टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. सो इंटरव्यूअर क्यों चाहता है, जीडी टॉपिक्स में क्या जानना चाहता है, राइट? तो इंटरव्यूअर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जानना चाहता है, बिकॉज उसको चाहिए गुड कमांड इन इंग्लिश. सो दे वांटेड कि आपका एक गुड कम्युनिकेशन हो इंग्लिश में, और हमेशा इंग्लिश में ही पूछते हैं, हिंदी में जीडी टॉपिक्स, हिंदी में जीडी टॉपिक्स नहीं पूछते. एंड दे ऑलवेज वॉन्ट टू आंसर अस इन इंग्लिश. सो इंग्लिश में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट हाउ टू स्टार्ट. लाइक आपको मैंने जीडी टॉपिक दिया, लाइक प्लीज टेल अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डायरेक्ट बोलोगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. आई प्रिपेयर सम नोट्स रिलेटेड टू जीडी टॉपिक्स. सो फर्स्ट थिंग इज, लाइक मुझसे पूछा गया टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? सो वॉट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू स्टार्ट विद माई नेम, देन टॉपिक, देन रिलेटेड फ्यू मिनट्स. लाइक यू हैव टू स्पीक एट लीस्ट 2 मिनट्स इन एनी जी डी टॉपिक्स, लाइक 2 से 3 मिनट्स आप जा सकते हो. देन एट लास्ट आपको थैंक यू बोल के एंड करना है, राइट? लाइक गुड आफ्टरनून, लाइक आफ्टरनून में है जी डी टॉपिक्स. सो आई विल ग्रीट, फर्स्टली आई ग्रीट इंटरव्यूअर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, माई नेम इज निकिता पिपरिया, टुडे इज माई जी डी टॉपिक, और यू कैन एड माई जी डी टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, जो भी आपका जी डी टॉपिक रहेगा वो करना. फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो गुड आफ्टरनून सर, माई नेम इज निकिता, एंड आई गॉट जी डी टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई हैव सम लिटिल नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मे आई इनकरेक्ट और करेक्ट, प्लीज करेक्ट इफ आई एम इनकरेक्ट इन माई, यू कैन से दिस वर्ड्स इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक. सो यू कैन एड ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो कि आई हैव लिटल नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ आई इनकरेक्ट, प्लीज करेक्ट मी. सो स्टार्ट विथ टॉपिक, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी ग्रो टॉपिक, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट लाइक 2 मिनट्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉपिक्स की. अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ जिन्हें मैं जानती हूँ, उन्होंने दिलाया, और उनके कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं वो उनकी मेरे पास लिस्ट है, और कुछ मैंने अपने से ऐड ऑन किया है. सो ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, और आपको इसको गूगल पे सर्च करना है, और अपने लिए एक अलग से नोट्स बनाना है. नोट्स बनाने के बाद उसको प्रिपेयर करो. लाइक अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये बेस्ट है कि आप नोट्स बनाओ, जो भी चीज़ है जीडी टॉपिक्स है उनके नोट्स बनाओ, देन उसको प्रिपेयर करो. अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे, यू हैव टू स्टैंड अप इन द फ्रंट ऑफ मिरर. आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप बोलो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बारे में आप क्या जानते हो, आप बोलो इंग्लिश में बोलो. शुरुआत में आप 30 सेकेंड बोलो, फिर 1 मिनट करो, फिर उसको धीरे धीरे 2 मिनट्स करो. तो आप ये सारी टॉपिक्स जो हैं वो गूगल में फाइंड आउट करके एक अलग से नोट्स बना लो, ताकि आपके लिए बेस्ट होगा इंटरव्यू के टाइम पे. सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट?
तो पहला तो एआई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली बहुत जगहों पे पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इसके बारे में तो प्रिपेयर कर ही लो, गूगल करके, विकिपीडिया से कुछ कुछ नॉलेज गेन करके आप एक अपना सा नोट्स बना लो। टेक्नोलॉजी है एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सोशल मीडिया। लाइक दे वर आस्किंग अबाउट वाई सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इफ एंड नेक्स्ट टॉपिक मे बी आस्क्ड कंप्यूटर, लाइक वाई कंप्यूटर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस ईरा। दे आस्क यू अबाउट क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? दे डू नॉट आस्क यू अबाउट लाइक टेल मी अबाउट आर्टिफिशियल। समटाइम्स दे आस्क यू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रिपेयर ए क्वेश्चन, उसके बेसिस पे आपको वो टॉपिक उस पर बात करना रहता है, राइट? सो है वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिगो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो है वो सोचता है। सो आप ये टॉपिक प्रिपेयर करके ही जाओ और इंडिगो के बारे में जानना। ये टिप है कि आप ना इंटरव्यू में जाने सॉरी इंटरव्यू में जाने से पहले ना आप प्रिपेयर कर लो और एविएशन सेक्टर्स के बारे में जानो, इंडिगो के बारे में जानो, व्हाई एविएशन सेक्टर इज ग्रोइंग सेक्टर, ये सब जानो, ये सब जानो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड इन योर लाइफ। दे आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन जीडी टॉपिक्स, और पीआई राउंड में भी आपसे पूछा जा सकता है। पीआई के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस वीडियो की लिंक। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो देखना। उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक्स बोलती हूँ, क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के रिलेटेड ग्राउंड स्टाफ के लिए। सो नेक्स्ट इज इंटरनेट के बारे में पूछ सकते हैं आपको, व्हाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, बिकॉज आजकल जो है वो इंटरनेट हर जगह काम आता है। लाइक स्टडी हो, आपने इंटरनेट के थ्रू ही वैकेंसीज देखी है, आप कनेक्ट हो रहे हो सोशल मीडिया से, उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। सो दीज आर द टॉपिक्स। टेल मी अबाउट योर टाउन, दिस इज लाइक मुझे पूछा गया था कैबिन क्रू इंटरव्यू में, लाइक टेल मी अबाउट योर टाउन हाउ लाइक। सो ये जो टॉपिक्स है वो कैबिन क्रू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट एट द एंड ये जो टॉपिक्स हैं वो ग्राउंड स्टाफ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाइल्डहुड मेमोरी, मेरे एक फ्रेंड को पूछा गया था टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी, दे डोंट नॉट मतलब कि वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप एक जेन्युइन आंसर दो, बट दे वांट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, लाइक फ्लुएंसी में आप कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हो कि नहीं, वो आपका फेस एक्सप्रेशंस देखेंगे, आई कॉन्टेक्ट करके बात कर रहे हो कि नहीं। बेस्ट है कि आप आई कॉन्टेक्ट करके ही बात करो जीडी में, बिकॉज वहाँ पे 8 लोग बैठे होंगे, 8 से 10 लोग, तो आप आपको एक यूनिक पहचान बनाना है अपना, ताकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको सेलेक्ट करे। सो सीवी सीवी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीवी सिलेक्शन होता है इंटरव्यूअर के थ्रू। सो सीवी के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी। सो नेक्स्ट टॉपिक इस फेमिनिज्म के बारे में पूछा जाता है, फैमिली के बारे में मुझसे पूछा गया था विस्तारा एयरलाइंस में कि वो टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो मैंने बोला था आई हैव न्यूक्लियर फैमिली एंड माय मॉम इज़ हाउसवाइफ एंड माय डैड इज़ बिजनेसमैन एंड माय सिस्टर इज़ फैशन डिज़ाइनर, शी सपोर्ट मी वेरी वेल एंड आई वांटेड टू बिकम ए ग्राउंड स्टाफ, ऐसा करके मैंने एक लाइन बोला था। 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट आप बात करोगे कॉन्फिडेंट होके, और सिंपल वर्ड्स आप चूज करो, कोई भी टफ इंग्लिश आपको एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपली भी आप इंग्लिश बोलोगे सो दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल हायर यू, राइट? एंड वन मोस्ट थिंग, मैं यहाँ टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगी, मुझे बहुत सारी गर्ल्स ने पूछा, इंस्टाग्राम में भी डीएम किया, मैम मेरे स्कार्स हैं फेस पे, सो कैन आई सेलेक्ट फॉर ग्राउंड स्टाफ, लाइक बर्थ मार्क भी हो सकता है, स्कार भी हो सकता है। सो यस डियर, यू कैन सेलेक्ट, बी प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एंड बॉयज ऑल्सो सेलेक्टेड इफ दे हैव स्कार्स और एनीथिंग एल्स, बट क्लीन सेव और ग्रूमिंग मेंटेन करके जाना, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट, फिर से आ जाओ अपने टॉपिक पे। सो हु इंस्पायर यू, दिस क्वेश्चन मे बी आस्क यू एंड यू कैन
your inspiration is anyone, your mom, your dad, any celebrity, and they also ask your favorite celebrity, who is your favorite star. ये आपसे पूछ सकते हैं, सो आप प्रिपेयर रहो. योर फेवरेट डेस्टिनेशन पूछ सकते हैं मैरिज के बारे में. समटाइम्स दे आस्क यू, पुराना टॉपिक है ये मैरिज वाला, लाइक 2020 का टॉपिक है, बट आई जस्ट एड ऑन टू इट. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी. सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दोज टॉपिक्स जो भी मैंने बोला, नोट डाउन करो और प्रिपेयर करो. अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आप इंटरव्यू दिला के आए हो और कुछ GD टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे गए हैं, सो आप मेंशन करो कमेंट डाउन पे, ताकि वो सबको पता चले. लाइक अगर आप कुछ मेंशन करोगे एंड अनदर वन कुछ और मेंशन करेगा, सो उसे एक टॉपिक की लिस्ट बन जाएगी. फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूँगी GD टॉपिक्स से रिलेटेड. सो प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, और इफ़ यू आर गो फॉर इंटरव्यू एंड अगेन एक्सपीरियंस एंड नो मोर टॉपिक, लाइक दे आस्क यू एनीथिंग. सो एट द एंड ये टॉपिक्स तो ठीक है, आप प्रिपेयर करके जाओ, बट यू आर लाइक कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप गूगल करो, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो अपने से तो टॉपिक देगा नहीं, वो भी गूगल करेगा कि टॉप मोस्ट GD टॉपिक्स क्या है. लाइक आपको इंटरव्यूअर बनना है, राइट, जैसे मुझे जो है इंटरव्यूज लेना है आप सबके, सो मैं जो है वो मुँह उठा के तो नहीं जाऊँगी ऑलवेज, राइट. एज एविएशन सेक्टर मैं कुछ प्रिपेयर करके जाऊंगी, लाइक क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. तो ऑलवेज आई लाइक गूगल कर लेती हूँ कौन कौन से GD टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सो ऐसा करके भी इंटरव्यूअर्स जाते हैं. सो लग बाय चांस जो हो सकता है कि जो GD टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाओ वो ना पूछे जाएँ. सो बेस्ट थिंग है कि आप और भी प्रिपरेशन करो, और जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंट्रैक्शन. यू हैव टू इंट्रैक्ट विथ योर एम्प्लॉयज, लाइक दे आर नॉट योर, मतलब दे आर नॉट इंडिगोज एम्प्लॉय, बट दे वॉन्ट इंडिगोज जॉब, राइट. सो यू हैव टू इंट्रैक्ट विथ पीपल्स. इंटरव्यू में गया कोई, ठीक है, आपसे पहले भी कोई बैठे हैं, उनसे बात करो, फ्रेंडशिप करो. फिर वो अगर जा रहे हैं, वो पहले जा रहे हैं इंटरव्यूअर के पास GD टॉपिक्स, GD राउंड के लिए, देन वो आए, फिर उनसे आस्क करो कि आपको कौन सा GD टॉपिक पूछा गया. अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे हैं. फिर अगर आपको नहीं पता तो जस्ट गूगल कर लो. गूगल करने के बाद आप उसके बारे में एक मिनट के लिए प्रिपेयर कर लो. इट्स बेट्स ना, लाइक मेरी भी तो सिलेक्शन ऐसी हुई थी कि देखो स्टेट मुझे पूछा गया था, लाइक उस टाइम पे हमारे टाइम पे चल रहा था कि स्टेट के नाम बताओ, मतलब कि जो कैपिटल्स हो गए, या फिर जनरल नॉलेज रिलेटेड चल रहा था, लाइक सो फिर जो है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने पूछा, फिर मैंने प्रिपेयर किया, किसी और का नोट्स देखा रिलेटेड टू जनरल नॉलेज. तो इससे क्या होता है कि आपके जो इंटरव्यूज़ के चांस है सेलेक्ट होने के, वो प्लस पॉइंट में बढ़ जाते हैं. सो फॉर दिस, लाइक बहुत लंबी नहीं करूँगी इस वीडियो को, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूज़. ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ और आएंगे ग्राउंड स्टाफ से, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है. So bye bye, stay tuned with me guys, thank you for watching.